हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ब्लॉग नहीं, आप लोगों के साथ कुछ अलग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे ना काफ़ी टाइम से हेयर फॉल की समस्या हो रही थी और डैंड्रफ की भी, तो मैंने 1 वीक से कुछ रेमेडी यूज़ की थी अपने बालों के लिए, कुछ ऑयल बनाया था होममेड रेमेडी, तो मैं वही मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं दोबारा से उसे बनाने जा रही थी। तो वो रेमेडी ना मेरे बालों के लिए 100% कारगर साबित हुई और उससे ना मेरे बाल झड़ना बंद हो गए और जो बाल मेरे जैसे सिर में यहाँ पे काफ़ी स्किन दिखने लग गई थी सिर की, तो वो मेरे नए नए छोटे छोटे से बाल निकलने लग गए अंदर और ग्रोथ होने लग गई बालों की। तो वो हेयर ऑयल मैं दोबारा से बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी रेमेडी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और आजकल ना जो बाल झड़ने वाली समस्या एक आम बात हो गई है, हर किसी के बाल झड़ रहे हैं और डैंड्रफ की समस्या तो नॉर्मली हो गई है और सर्दियों में तो मोस्टली सबके साथ में ऐसा हो जाता है कि डैंड्रफ बालों में हो जाता है। मेरे तो अक्सर करके सर्दियों में डैंड्रफ बढ़ जाता है और उसी के कारण, डैंड्रफ के कारण ही हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। तो उसके लिए मैंने कुछ हेयर ऑयल बनाया हुआ है और वो आप लोग भी ट्राई कीजिए, वो 100% कारगर है। आप एक बार उसको ट्राई करिएगा और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो आप मेरे साथ में शेयर करिएगा क्योंकि मैंने उसे ट्राई किया और मेरे साथ में वो 100% कारगर हुई है। और वही होममेड हेयर ऑयल रेमेडी मैं आप बनाने जा रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और अगर वो कारगर है, अगर आपके बालों में भी वो सही असर कर रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और बताइएगा कि आपका हेयर फॉल रुका कि नहीं। और रेमेडी शुरू करते हैं, वो बनाते हैं, उसके लिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स की आवश्यकता होगी और वो रेमेडी बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर फॉल के लिए जो मैं रेमेडी बनाने जा रही हूँ तो वो रेमेडी ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनेगी, जो भी आपके घर में या किचन में जो भी चीज़ें हैं मौजूद हैं उन्हीं से वो रेमेडी बन जाएगी। ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लानी है। इसके लिए लिया मैंने 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी जो कि अचार में डाली जाती है वो वाली कलौंजी है ये, और थोड़े से मैंने करी लीव्स लिए हैं ये इतने से हैं, और थोड़े तुलसी पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, और ये इधर गुड़ैल के पत्ते हैं। गुड़ैल के पत्ते भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास फूल अवेलेबल है तो आप फूल ले सकते हैं, और अगर पत्ती और फूल दोनों ही हैं तो आप दोनों भी डाल लीजिए। और एक लिए मैंने पैरासूट ऑयल की सीसी, मेरे पास छोटी थी तो अभी मैंने छोटी क्योंकि इनसे मंगाई थी तो ये इतनी छोटी लेकर के आए, अगर आपके पास बड़ी है तो आप इनकी मात्रा बढ़ा देंगे, फूल थोड़े ज़्यादा ले लेंगे पत्तियाँ भी, और इसकी मेथी दाना और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच कर लेंगे, आप अपने ऑयल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो और इसको ना मैं लोहे की कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बेस्ट ऑप्शन लोहे की कढ़ाई है, आप उसी में बनाइए। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप सिल्वर पैन ले सकते हैं या कोई और बर्तन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई तो आप उसी में बनाइएगा जो कि लोहा है, आयरन हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए ऑयल को गर्म करने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है, अब इसमें जो पैरासूट ऑयल है यानी कोकोनट ऑयल, इसको ना इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। सर्दियों में क्या होता है ऑयल जम जाता है तो बड़ी मुश्किल में निकलता है ऐसी सीसी में से, तो इसको क्या करेंगे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल देंगे तो इससे ये पिघल जाएगा ऑयल और इसमें आसानी से आ जाएगा, इससे आप इसमें आसानी से पलट सकते हैं। देखो जम गया है, गर्म पानी में डालना पड़ेगा।
और देखिए यहाँ पर ऑयल गरम हो जाने के बाद मैंने उसमें मेथी दाना डाल दिया है, और मेथी दाना थोड़ा चटकने लगा उसके बाद मैंने जो कलौंजी ली थी वो डाल दी है। और ये ना सिम गैस पे चलाना है आपको, गरम करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है वरना ऑयल सारा जल जाएगा। मेथी दाना और कलौंजी डालने के बाद मैंने इसमें गुड़हल के फूल डाल दिए थे और पत्तियाँ डाल दी थी, और तुलसी के जो पत्ते थे वो भी डाल दिए थे, और फिर मैंने इसमें वो करी लीव डाले थे। आपको अगर फ्रेश करी लीव मिलते हैं तो आप वो लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास करी लीव फ्रेश नहीं थे तो मैंने सूखे मंगाए थे मार्केट से। सारी चीज़ें डालने के बाद में इस ऑयल को 5 से 10 मिनट के बीच में आपको इसे ऐसी सेम आँच पर चलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये इसका तो देखिए अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसको ठंडा हो जाने के बाद में आप कंटेनर में इसको छान करके स्टोर करके रख सकते हैं। इसको ना दबा दबा करके ऐसे ही छान लेना है पूरा ऑयल, क्योंकि मेरे पास कम ऑयल था तो कम ही मात्रा में बना। अब ये हेयर ऑयल लगाने के बाद में आपको हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा खुद का ट्राई किया हुआ नुस्खा है। देखिए मेरा इतना हेयर ऑयल बना है जा करके, क्योंकि मेरे पास कोकोनट ऑयल की जो सीसी थी वो छोटी थी, 50 ml की थी। आप बड़ी लेकर के आना, मैंने इनसे मंगाई थी तो ये छोटी लेकर के आए, और आप जब ज़्यादा कोकोनट ऑयल लें तो उसी के हिसाब से और चीज़ें उसमें ऐड करनी है। हेयर ऑयल मेरे एक हफ्ते के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करती हूँ मैं बालों में, और इसके बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा मैं दोबारा से बना लूँगी। जितने की आवश्यकता हो आप बना लीजिए, और बना करके हेयर ऑयल बना करके उसको कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तब आप इसे यूज़ कर लें। तो अगर आपको मेरी ये हेयर ऑयल रेमेडी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ ज़रूर एक लाइक ज़रूर करना। और ये ना हेयर ऑयल रेमेडी ये हेयर फॉल के लिए नहीं, बालों में रूसी की समस्या हो या असमय बाल सफ़ेद होना, और आजकल जो बाल सफ़ेद होने की समस्या है नॉर्मल हो गई, आम बात हो गई, छोटे छोटे से बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं, और बाल झड़ना, मेरे काफ़ी टाइम से बाल झड़ रहे थे और इतने इतने बाल निकलते थे एक एक बार में धोने में, जब मैं हेयर वॉश करती तो मेरे इतने बाल निकलते, और जब मैं कंघी करती बालों में तब मेरे अलग से निकलते बाल, और ज़मीन पर हर जगह बाल ही बाल दिखाई देते। मैं परेशान हो गई थी, मेरे सारे बाल झड़ गए। फिर मैंने ये हेयर ऑयल ट्राई किया बना करके घर पे, रेमेडी बनाई मैंने, फिर ट्राई की, मुझे ये काफ़ी सूट करी और मेरे हेयर फॉल बंद हो गया मेरा। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी के साथ बने रहिए आप लोग मेरे चैनल पे नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तब तक लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।